नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। देवघर में बालू माफिया ट्रैक्टर के जरिए बालू घाटों से बालू उठाकर एक जगह डंप करते हैं, फिर बड़े ट्रक में लोड कर बिहार के कई जिलों में बालू सप्लाई करते हैं। झारखंड के देवघर में बालू घाटों से बालू का उठाव पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद जिले के बालू माफिया चोरी छिपे बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। बालू माफिया देवघर से बालू बिहार के कई जिलों में पहुंचाई जा रही है। देवघर में बालू माफिया ट्रैक्टर के जरिए बालू घाटों से बालू उठाकर एक जगह डंप करते हैं, फिर एक बड़े ट्रक में लोड कर बिहार के कई जिलों में बालू सप्लाई करते हैं। देवघर बाबा नगरी में पावन नदियों से इन दिनों बड़े पैमाने पर बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार देवघर में विभाग और बालू माफिया की मिलीभगत से बालू का अवैध उठाव जारी है। हाल ही में बीएनएन न्यूज द्वारा एक और मामले में खबर लगाई थी, जिसका असर पूरे भारत वर्ष में दिखा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला अंतर्गत बालू के खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके पूर्व में भी बीएनएन न्यूज डोमाखार की नदी पर अवैध बालू खनन किया जा रहा था, जिसमें बीएनएन की खबर का असर होते ही बालू खनन कार्य बंद हो चुका था, परंतु फिर से दिन का समय को बदलकर अब रात में खनन कार्य शुरू हो गया है। ऐसे में प्राकृतिक संसाधन का क्षीण होते नजर आ रहा है। स्थानीय ग्रामीण बदरुद्दीन अंसारी कहते हैं कि जब हम ग्रामीण विरोध करते हैं तो बालू माफिया द्वारा हमें डराया धमकाया जाता है। देवघर में खनन विभाग द्वारा बालू घाटों की बंदोबस्ती कर उनका सीमांकन भी कर दिया गया है। बालू माफिया द्वारा खुलेआम इसका उल्लंघन कर बालू का अवैध उठाव किया जा रहा है। अब लगातार बीएनएन न्यूज की खबर का असर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड तक हुआ है। संबंधित विभाग को नए सिरे से अमल में लाने की सख्त जरूरत है। मेरा नाम जगत सिंह है, ग्राम सुरकुमी टोला बेसना खाड़। मेरा कहना यही है, जो बालू निकल रहा, बालू ही रास्ता से नहीं निकल रहा था, रोड सही था। आज बालू निकलने के बाद में एक बच्चा लोग जाता है स्कूल, सब की कितना दिक्कत हो रहा है, रोड सब खराब हो जा रहा है। और इतना खराब हो रहा होते हुए भी हम लोग पब्लिक आम जनता बनाते हैं, अभी सब रोड खराब करता है। अब खराब करते हुए फिर भी ये सब अवैध बालू क्यों निकाल रहा है? एक मतलब वन विभाग छुट्टी दिया होगा तभी निकल रहा है, उतना दिन नहीं निकल रहा था, वन विभाग कैप्चर किया था। ताई तो अब अवैध निकाल रहा है वाला, इसका कानून कार्रवाई किया जाए, मेरा कहना में ही है। ग्राम निवासी हम लोग सुरकुमी बेसना का टोला। हमारा गांव से कहां कहां के लोग गारू का सब ले जाता है बड़ा लोग, हमारा रोड भी खराब कर दे रहा है, मेरा गांव का संपत्ति सब ले जा रहा है लोग, और हम लोग कुछ बोलते थे हम लोग पर दबाव डालते हैं। आज जो बोलता है उसको एक आध दो पैसा दे करके मुंह बंद कर देता है, और क्या बोले। तो वन विभाग से लोग बोलता है हम लोग को, जो वन विभाग से हम रेंजर से बात कर लिए हैं तो अगला से हमारा बात है, तो तुम लोग कहे ले हमको मना करेगा, हम समझ लेंगे, ये सब बात बोलता है हम लोग को और हम लोग को धमकी दे देता है। हम लोग क्या करेंगे, गाँव वाला अपना ले जा रहा है, हम लोग इसी में हम लोग मजबूर रहते हैं। और फिर एक आध दो जन बोलते हैं तो फिर बाजार में हम लोग को चेक करके बोलता है तू ही ज़्यादा बोलता है रे, ऐसे ऐसे बोलता है। सब तो जो पाएगा सब ले जाएगा, हम लोग को गांव के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा बाद में। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ सर को कोई भी संपत्ति ले जाए बाला हो या अथी रह गया लकड़ी उकड़ी भी ले जाता है कभी कभी, तो इस सबके लिए भाई कार्रवाई किया जाए। मेरा नाम है संजय राव, ग्राम सम्मत टोला और गारू थाना गारू जिला लातेहार झारखंड निवासी हूँ। यही चीज़ हम बोलने जा रहे हैं, वन विभाग वाला पश्चिमी क्षेत्र वाला रेंजर मिली जुली है, मिली जुली भागत है, इसमें बालू का वैध निकासी कर रहे हैं, इसमें आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं कीजिएगा तो हम लोग भी यही कह रहे हैं कि कार्रवाई कीजिए,
कहे कि हम लोग बालू के लिए जाते हैं तो हम लोग को बालू नहीं मिलता है और बाकी बिचौलिए के लिए बालू मिल सकता है तो हम लोग को कहे नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग आपको दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग को उन लोग को करवा कीजिए और जल्दी में करवा कीजिए। इतने बोल के अपना बिरयानी को वन मेरा नाम चामू राव, मैं ग्राम सुरखा में टोला बैसना खाल से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा गांव से अवैध बालू निकला जा रहा है। कोई फॉरेस्ट विभाग की कोई कानून कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने बालू निकलने का उसको रोक लगाने के लिए कुछ कार्रवाई की जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ, बालू हम लोग गांव से ख़त्म हो जा रहा है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ कार्रवाई की जाए। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN News।